प्यार भरा नमस्ते, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, आप अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं ममता पौड़ीजन एक सुंदर से गांव के सुंदर से, और अभी दोस्तों मैं बना रही हूँ, रात के 6:30 बज चुके हैं और आजकल आपको पता ही है दिन छोटे हो चुके हैं, इसलिए मैं रात को बना रही हूँ वीडियो। और क्योंकि वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि आज हमने एक तो लेट हो गई, और अभी आप लोग तो ठीक ही होंगे, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मैं दोस्तों अभी आई मैं खेत से, अभी मैं बना रही हूँ कड़ी भात अपने लिए, और मिस्टर जी के लिए रोटी बनाऊंगी, दाल है क्या अपना सब्जी बनाते होते हैं ना, और अपने लिए स्पेशल कड़ी भात बना रही हूँ रात को, क्योंकि हमारे घर में चावल आटा खत्म हो गया है, मैं कड़ी भात बना रही हूँ। फिलहाल मैं ये देखो एकदम दोस्तों कड़ी बना रही हूँ, बड़े स्टाइल देसी स्टाइल में, अपने गढ़वाली स्टाइल में, मतलब कड़ी झोली भात बनाऊंगी मैं, हमारे यहाँ कड़ी की साइड को कड़ी भात ही बोलते हैं ना, बेसन और मसाला वगैरह डाल दी है, और मिस्टर जी के लिए है मेरे ये बचा हुआ मतलब दाल है। अभी दोस्तों मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद कड़ी को बनाने के लिए। कड़ी है थकान खेत से आके अभी आया, जस्ट रात में लग गई थी हमारी भैंस का खुद आए ना, दोस्तों क्या बताऊँ, अरे अभी जस्ट आई मैं खेत से, और अभी मैं लगती हूँ चाय तो पानी है केवल, और यहाँ पर गैस लाऊंगी दोस्तों, यहाँ पर बना दूँगा चाय और कड़ी भात भात भी रखूँगी ना, तो फिर मिस्टर जी के लिए चाय बनाती हूँ, खुद भी पीऊँगी, मिस्टर जी का नाम तो ऐसे बोल रहे हैं, खुद भी पीऊँगी। और अभी दोस्तों आज मेरे कपड़े थे फ्री सारे रखे हुए, कल बताऊँगी आपको कल की वीडियो में, आज तो थकान लगी हुई थी क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्तन लगाया था और घास के लिए भी गए थे जंगल में, और जंगल में नहीं तो ले रखा है ना, और वहाँ पर क्या बोलते हैं अभी मैं बना रही हूँ उससे कड़ी भात है मेरी, ये देखो दोस्तों ये है मेरी कड़ी भात, और ये है पहाड़ी लंच, और अभी इसमें डालूंगी धनिया, आपको बताऊंगी ग्रीन ग्रीन धनिया, और अभी मैं वीडियो डाउनलोड करूंगी आपको दिखाऊंगी दो तीन दिन की वीडियो, क्योंकि टाइम नहीं लगा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, घास लगाने के लिए घास काटने जाओ फिर गाँव में जाओ टाइम नहीं लगा, एडिटिंग कब करनी है वीडियो भी, अभी एडिटिंग करके रखी मैंने डालूंगी जस्ट अभी, ठीक है दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त अपने काम में व्यस्त होंगे, मैं सुबह की नई दिन की शुरुआत कर चुकी हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए, और जो भैंस गाय के लिए लाना है, अब तो घर का ही काम नहीं रखा, कपड़े वपड़े धोऊंगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े हुए शादी वगैरह हुई, शादी में बहुत सारे कपड़े चेंज वगैरह करते हैं, साड़ी पहन पहनी थी साड़ी वेयर करती, तभी मैं जा रही हूँ दोस्तों घास लेने के लिए, मिस्टर जी ने काट रखा था, और मतलब काटा था ना चले गए ड्यूटी नथिंग वीडियो, और रात के 8:30 बज चुके हैं, मैं तो टाइम देखती हूँ 8:00 बजने वाली है, 7:50 हो चुकी हैं, और अभी यहाँ पे मैं नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, और मेरा मेन मकसद ये था कि इसलिए कर रही हूँ, मेन मकसद इसलिए है क्योंकि मेरे बर्थडे का, बड़े वाले बेटे का बर्थडे है ना, और इसलिए वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, और दोस्तों आप भी मेरे साथ वीडियो भी बन रही, और यहाँ पर दाल वगैरह दिखा दी, ये वाली मूंग दाल है कौन सी, उड़द की हाफ वाली छिलके वाली है, और इसकी दाल कल धोऊंगी मैं, कल बनाऊंगी पकौड़ियाँ, अभी रात को भिगा दिए, 27 अक्टूबर को मेरे बड़े वाले बेटे का जन्मदिन है, और यहाँ से इसको स्टार्ट हो जाएगा 12वां साल, और दोस्तों मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद। सिलबट्टा हमारा बाहर रहता है, और यहाँ पे सिलबट्टा भी लेके आ चुकी हूँ कमरे में किचन में, क्योंकि ना सुबह सुबह टाइम लगेगा, और बाकी डर भी लगे रहेगा क्योंकि मुझे 4 बजे उठना है, और दाल इस दाल को पहले धोना है फिर उसके बाद इसको पीसना है, तो देखते हैं बनाऊंगी वीडियो, आप वीडियो में बने रहना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रखा है सिलबट्टा आलू कड़ा दूध आके, क्योंकि सुबह सुबह टाइम लगेगा, सुबह सुबह ठंडा भी लगता है, यहाँ पे मैंने बना रखी है अंडे की सब्जी, और ये हमारी गोभी की सब्जी, और मेरे मिस्टर जी अभी जा रखे हैं बाहर पर, अभी आए मैंने वहाँ से, और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे किचन के क्योंकि आज खोदे की गया थी इसलिए मेरे को टाइम नहीं लगा, अभी यहाँ पे हाल फिलहाल बना रही हूँ वीडियो, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ, अब बने रहो आप मेरे साथ वीडियो में, और मिलेंगे आपको सुबह सुबह, ठीक है।
दोस्तों हमारा ओम्फू दिखाती हूँ आपको मैं ओम्फू। अरे आलू किले दबे। और दोस्तों यहाँ पर रात हो चुकी है, मैं ओम्फू को बताती हूँ आपको एक बार ओम्फू कहाँ सो रखा है। ओम्फू ये देखो, ओम्फू है हमारा, ये बड़ा वाला ओम्फू है, ये कालू ओम्फू है। दोस्तों मैं ले गई हूँ फुको लसोड़ लसोड़ के, अभी यहाँ पे दूध लगते गिलास पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पियेंगे दूध और साथ साथ मैं भी पीऊंगी। तो मोटी मने लगी पे ये दूध ना, बाप रे बाप। अभी फिलहाल दोस्तों मैं बना रही हूँ दूध अपने लिए और बच्चों के लिए, और अभी मैं दूध ले जाऊंगी क्योंकि वो टीवी देख रहे ना, इसलिए म्यूजिक का क्लेम आएगा कॉपीराइट क्लेम। रखती हूँ दूध वहाँ पे, और यहाँ पे देखो दोस्तों रात हो चुकी है जंगल की साइड, और अभी घास फूस निकालूंगी और आज की वीडियो की ब्लॉग की एंडिंग भी करूँगी, और मैं ममता मिलूंगी कल एक नई वीडियो में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता मिलूंगी कल एक नई वीडियो में, तब जय देवभूमि जय उत्तराखंड, बाय दोस्तों।